हेलो, मेरा नाम बादल सैनी है। मैं मैक इंदौर गीता वन का स्टूडेंट हूँ। मैक एक इवेंट कराता है जिसका नाम है 24 FPS, और मेनली मैंने लाइटिंग की थी उसके अंदर। मैंने एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट वर्क किया है। मैंने काफ़ी सारे पाँच सीन मैंने लाइट अप किए पूरे के पूरे चैलेंज के अंदर। हेलो, मेरा नाम अमित भाटी है। इसमें मेरा रोल था मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग का। हाय गाइस, मैं शुभम तोमर। मैं पवन सिंह चौहान। मेरा रोल था मॉडलिंग टेक्सचरिंग और सीन सेटअप करने का। साथ में रेंडरिंग भी मैंने ही करी थी। मेरा रोल था मॉडलिंग टेक्सचरिंग और हेल्पिंग फुल सपोर्ट ऑफ रेंडरिंग बीजी सेटअप एंड ऑल। तो आया मैं, फिर हमने मॉडलिंग सीखी कैसे सीन सेटअप करते हैं, कैसे अपने पाइपलाइन में वर्क होता है, कैसे मॉडलिंग के बाद टेक्सचरिंग लाइटिंग और इनके लिए अपनी फाइल्स भेजते हैं, फाइल मैनेजमेंट सीखी हमने। एक्चुअली हमारा माया उसी टाइम स्टार्ट हुआ था जब FPS स्टार्ट हुआ था, जब हमें कुछ इतना कुछ आता नहीं था उस बारे में। तो हमने मॉडलिंग टेक्सचरिंग इतना परफेक्शन किया है मेंटर्स के थ्रू, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, पूरा क्लियरेंस आया है कि देन हमें जो जो भी प्रॉब्लम्स आई है सारी करेक्शंस हुए हैं बहुत सारी, एंड सेटअप्स में प्रॉब्लम आई है, रेंडरिंग वगैरह में पूरा क्लियर किया है। 24 FPS में सीखा टीम वर्क कैसा होता है, टीम मैनेजमेंट क्या होता है, और टीम वर्क में और टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, ये हमने सब सीखा 24 FPS के दौरान। इसमें हमारे मेंटर्स का बहुत सहयोग रहा, इन्हें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई और हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। और फाइनली जब हमने मूवी सबमिट करी उसके बाद हम जब 24 FPS फिल्म अवार्ड के अंदर गए मुंबई, तो देखा काफ़ी सारे ऑल ओवर इंडिया से मैक के सभी स्टूडेंट आए हुए थे जिन्होंने कॉम्पिटिशन में पार्ट किया हुआ था। सबसे मेरे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा इवेंट था। जब हमारा नाम अनाउंस हुआ एज अ 3D चैलेंज ब्रॉन्ज विनर, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देन हम स्टेज पे गए, हमने अवार्ड रिसीव किया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा, हमारे मेंटर लोग सब लोग खुश थे बहुत। फिर हमें याद आया कि हम इससे भी अच्छा कर सकते थे, नेक्स्ट टाइम हम ब्रॉन्ज की जगह गोल्ड लेंगे। थैंक यू सो मच। Oh, it's just the greatest thing that humans ever made. The Vespa. Whoa. You just sit on it, and it takes you anywhere you want to go. In the whole stinking world. Yeah. Huh. Are you gonna make one? I think you have all the parts.